और बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं एक बड़ी खबर के साथ। कमांडर लेवल की बातचीत में भारत की चीन को दो चूक, डेपसांग, हॉट स्प्रिंग और डेमचोक से पीछे हटे चीन, ये भारत ने साफ साफ कह दिया है। आज भारत और चीन की तरफ से जारी होंगे बयान। भारत चीन के बीच कल 12.5 घंटे कमांडर लेवल की बातचीत चली है। चुशूल मोल्डो में भारत और चीन के बीच हुई बातचीत। तो लगातार एलएसी पर तनाव कम करने के लिए भारत और चीन के बीच कमांडर लेवल की बैठक हो रही है। एक और बैठक हुई, 14वें राउंड की बैठक, और इसमें भारत की ओर से कुछ चीजें साफ साफ चीन को कह दी गई हैं कि कुछ ऐसे इलाके हैं जहां से चीन को पीछे हटना ही पड़ेगा। 12.5 घंटे की इस बैठक में साफ साफ भारत की ओर से कहा गया कि डेपसांग हॉट स्प्रिंग का जो इलाका है उसे चीन खाली कर दे। कमांडर लेवल की ये बैठक हुई और इस बैठक में बहुत कुछ तय हुआ है। हॉट स्प्रिंग डेमचोक का जो इलाका है वहां से चीन को पीछे हटने के लिए भारत की ओर से दो टूक कह दिया गया है। भारत और चीन के बीच बुधवार को चुशूल मोल्डो में 14वें दौर की बातचीत हुई। 12.5 घंटे चली मैराथन मीटिंग में भारत ने प्रमुखता से अपनी बात को चीन के सामने रखा। सूत्रों के हवाले से खबर है कि भारत ने टकराव वाले हॉट स्प्रिंग समेत बाकी जगहों पर चीन को जल्द से जल्द सेना को हटाने पर जोर दिया। इसके अलावा भारतीय पक्ष ने चीन पर देपसांग बल्ज और डेमचोक में मुद्दा सुलझाने का दबाव बनाया। भारतीय दल का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद सेन गुप्ता ने किया। इस बीच इंडो पैसिफिक में चीन के खिलाफ घेराबंदी बढ़ गई है। 21 जनवरी को जर्मन वॉरशिप मुंबई आने वाला है। इसके बाद फ्रांस भी अपना वॉरशिप भारत भेजने वाला है। और इस बीच आर्मी चीफ का एक बड़ा बयान भी आया है। जनरल नरवणे ने कहा है कि एलएसी पर खतरा बरकरार है, लेकिन भारतीय सेना हर चुनौतियों से निपटने को तैयार। आर्मी चीफ जनरल नरवणे ने कल चीन के चालाकी का जिक्र किया। इट इज नॉट ओनली ऑगमेंटेशन ऑफ फोर्सेस बट ऑगमेंटेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वेपन्स इक्विपमेंट एंड आई डेयर से दैट इन द लास्ट ईयर ईयर एंड हाफ आवर कैपेबिलिटीज हैव इंक्रीज्ड मेनी फोल्ड एज फार एज आवर नॉर्दर्न फ्रंट इज कंसर्न्ड। वी हैव इंडक्टेड एडिशनल ट्रूप्स, वी हैव मेड वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बिलेटिंग फैसिलिटीज। जनरल नरवणे का यह बयान कल भारत चीन के बीच हुई 14वें दौर की बातचीत के दौरान आया है। आर्मी चीफ ने कल भारत की साजिश को भी उजागर किया। जनरल नरवणे ने कहा कि भले ही पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम का समझौता हो, लेकिन 350 से 450 आतंकी भारत में घुसपैठ करने को तैयार है। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।